भारतीय जनता पार्टी जिला जलंधर विधानसभा हलका फिलौर नूं उस वेले भरमा हुंगारा मिलिया जदों रणजीत पवार हलका इंचार्ज की अगवाई च आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी श्रोमणी अकाली दल बादल दे नौजवान वख-वख पार्टियां नूं अलविदा कह के भाजपा विच शामिल हो गए। इस मौके सोम प्रकाश केंद्रीय राजमंत्री अमरजीत सिंह अमरी जिला प्रधान देहाती ने संबोधन करदिया कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते भाजपा पार्टी दीयां नीतियां नूं वेखदे होए सियासी पार्टियां दे आगू ते वर्कर अलविदा कह के भाजपा विच शामिल हो रहे ने। इस बार भी केंद्र विच भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी ते पंजाब सरकार उन्हां कहा कि पंजाब दे वासी पंजाब दी मौजूदा सरकार तो काफ़ी परेशान ने। इस दौरान आए हुए मेहमानों ने शामिल होए नौजवानों नूं पार्टी दे सरोपाओ दे के सन्मानित भी किया। इस मौके राजीव सुरिंदर कालिया श्याम लाल विनोद रहेजा मंडल प्रधान फिलौर पंकज भारद्वाज रवि जोशी तो इलावा होर पार्टी वर्कर भी मौजूद सन। अज बुराया विखे बहुत सारे नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी दी नीतियां तो प्रभावित हो के नरेंद्र भाई मोदी जी की पॉलिसी तो प्रभावित हो के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन्होंने पार्टी बहुत बहुत स्वागत करता। साढ़े जिला प्रधान अमरी जी इतने इंचार्ज मंडल प्रधान जी सारे हाजिर ने और मैं इन्हों का स्वागत करता तो आस करता इन्होंने पार्टी में ताकत मिलेगी और सारे रल के देश की एकता अखंडता की राखी लिए काम करेंगे और पार्टी होर प्रफुल्लित करेंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है तो लगातार गैंगस्टर वालों लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। देखो ये तो जब भी सरकार आई है कुछ कर नहीं सके सिर्फ बदलाव की गल की थी पर जो गैंगवाद पंजाब शुरू हुई है कोई सुरक्षित नहीं है लॉ एंड आर्डर का कितने ना निशान नहीं है हर एक लोग असुरक्षित महसूस करते हैं कोई भी फरौतियां भी लोगों को मंगी जा रही हैं मर्डर भी रोज हो रहे हैं। सरकार अमन कानून कायम रखने बुरी तरह फेल हुई है। सरकार ने क्या ही नशा खत्म करना आम आदमी पार्टी ने क्या था? देखो नशा तो पहले नालों बढ़ गया हर महल हर गली में नशा बिकता सरकार को पता है रोज़ फड़िया भी जाता पर सरकार का रोह भी नहीं है सरकार कुछ कर नहीं सकी सरकार की एग्जिस्टेंस है सरकार का डर होना चाहिए और डर नहीं है क्योंकि आप ही कुछ करते नहीं है। बाहर दो तीन महीने दबार इलेक्शन से घूमते रहे घूम के इतने वेले हो गए आ गए कि ना उतने कुछ मिले ना इतने कुछ देखो नजायज कब्जे हटाने ना तो इन्होंने उन्होंने तो उठाया चाहिए सी को बदलवा प्रबंध पहला करते कब्जे जितने नजायज हटाने जरूरी चाहिए आ लेकिन उनका बदलवा प्रबंध करना जरूरी सी जो इन सालों से इतने बैठे ठंड बाहर बैठे ने बहुत फ्लोर भी आवाज उठी है बिल्डिंग ढाने की मैनू पता नहीं जानकारी नहीं है नहीं तो देखो स्टेट दे जिन्हें ढाया उन्होंने करना वो बना के देन बिल्डिंग अच्छी तरह बना चौधरी साहब ने लोकसभा सवाल पूछा है साढ़े मंत्री जी इस संबंध में लतीफपुरा बारे तीस साल के मैं यही सवाल किया था कि भाई जो उसे मकान ढाया उसे जी सरकार केंद्र सरकार चौधरी साहब ने लोकसभा सवाल उठाने वाला इतने जलंधर एजुकेशन करनी चाहिए है भाई लोग इन्होंने मकान बना के लोकसभा तो कुछ करना ही नहीं है करना पंजाब सरकार ने सर जो नवे शमूलियत की जिन्हें बंद ने भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने कई थ्रैटन आया जिमें कि देहाती प्रधान जी ने दसिया भी उन्होंने कई बंद ने जो शमूलियत करते हैं जो आना चाहते हैं उन्होंने सरकार तंग कर रही है उन्होंने बारे थोड़ा की वो एवं निराशा होंगी है जो छड़ के जाए सेफ्टी लिए सोच कुछ नहीं कर सकेंगे क्यों तंग करेंगे पार्टी ना खड़ेगी पूरी तरह ना खड़ेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जय भीम जय भारत। अज भारतीय जनता पार्टी दे लई बहुत ही खुशखबरी की गल है कि अज साडे भारतीय जनता पार्टी दे विच परिवार दे विच बहुत बड़ा वाधा होया है। विधानसभा फिलौर दे विच वख-वख पिंडां तों वख-वख पार्टियां तों आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी तो अकाली दल पार्टी छड़ के बहुत बड़ी गिणती विच अज नौजवान भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल होए ने और उन्होंने इको ही गल कही कि असी सारिया पार्टियां नू देख लिया साडे माता पिता ने असी सारिया ने इन पार्टियां नू देख लिया पहला कांग्रेस ते अकालिया ने धोखा किया हुण आम आदमी पार्टी
झूठ बोल के सत्ता दे विच आई। आम आदमी पार्टी ने हजार रुपया देंगे, रेत माफिया नूं नत्थ पावांगे, केवल माफिया नूं नत्थ पावांगे। पर तुसी देखो सिद्धू मूसेवाला नकोदर दे विच एक फरौती मंग के बीजेपी दे ही बिजनेसमैन दा कतल, और छोटे छोटे चार चार पांच पांच सौ दे जिहड़े बेचारियां दे जिहड़े बिजनेस आ उन्हां नूं भी एक जिहड़े लुटेरे उन्हां वल्लों लुट्टिया जांदा, और शरेआम कतल हो रहे आ पंजाब दे विच। पंजाब दा अज दा जो हाल है वह बहुत ही बुरा हाल है। इस तरह लग रहा कि पंजाब दा कोई भी बालीबास नहीं। सो साथियों अज दा जो नौजवान है वह बहुत ही सियाणा है। उसनों ये तां पता लग गया 6 महीने दे अंदर ही कि आम आदमी पार्टी ने उन्होंने झूठ बोल के उन्हां दे नाल धोखा करके कि असीं पंजाब नूं एक खुशहाल पंजाब बनावा दे नां ते पार्टी तां बना ली सत्ता दे विच आ गए। पर साथियों आम आदमी पार्टी का यह धोखा जड़ा वह दिन ब दिन मोहरे आ रहा है। सो मेरी सारे ही नौजवान साथी ने जो बीजेपी नूं जिन्हां ने ज्वाइन किया, मैं हलका इंचार्ज होने के नाते उन्होंने जी आया कहना, और उन्हां दी एक चंगी सोच दी उन्हां नूं एक शाबाश भी दिंदा अपने वालों भरावां नूं कि उन्होंने बहुत वधिया एक कदम चुकिया है। सो मैं दावे नाल कहना कि 2024 दे विच वी लोक मुर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं देश का प्रधानमंत्री बनाउणगे, और लोगों ने फैसला कर लिया कि 2027 दे विच ओ पंजाब दे विच बीजेपी की सरकार बनाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।